का मकसद ये है कि हम लोग एक परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमारे साथ उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा से MIM लड़ रही है और जो 4 विधानसभा है उससे हमारे गठबंधन लड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी लड़ाई हम लोगों की हो रही है। ये सारी बातें और इस बार इंशाल्लाह ताला हम लोग एक बहुत अच्छा चेंज लाना चाहते हैं और सरकार में बिल्कुल हमारी भागीदारी होगी। क्या चेंज लाना चाहते हैं, किस चीज से आप नाराज हैं या क्या सुविधाएं आपको चाहिए? नहीं, हमें सुविधा है क्या, हम लोगों की जितनी हम लोगों की संख्या भारी है उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो लोगों को हमें शिक्षा चाहिए, हमें हर तरह की सुविधाएं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इस तरह की सारी सुविधाएं चाहिए। इस सुविधाएं के लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षा चाहिए जो आज सुरक्षा नहीं हो मिल रही है। आज आप देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पे लोग हिजाब तक, लड़कियों को एक हिजाब लगाना, हिजाब एक बहुत अच्छी चीज़ है। हिजाब आप देखिए, पर्दा को देखिए, पर्दा एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन आज उस पर भी पाबंदियाँ लग रही हैं। लड़कियाँ मुँह बांध के चल रही हैं तो उसको लोग रोक रहे हैं। ये बहुत ही गंदी बात है। ये सरकार जो करना चाहती है, जिस तरह का आतंक फैलाना चाहती है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो भी संविधान को मानने वाला नागरिक है वो कोई भी इस भाजपा सरकार के साथ नहीं है, ना रहेगा। बनारस में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है और कैसी चर्चा चल रही है? देखिए, बनारस का जो हमारा दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी जनाब परवेज कादरी साहब बहुत ही पुराने राजनीतिक हैं और बहुत ही अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे हरीश मिश्रा जी, आप उनको जानते हैं, वो बहुत ही पुराने आंदोलनकारी हैं। बनारस में जब सारे जितने भी विपक्ष के जितने भी आज नेता हैं, जिस वक्त वो कोविड के टाइम हर तरफ वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, उस वक्त हमारे हरीश मिश्रा जी, जिनको बनारस वाले मिश्रा जी कहा जाता है, वो सड़क पर आकर के लोगों की मदद कर रहे थे। मैं उस प्रत्याशी को लाया हूँ। हमारा प्रत्याशी ना तो बिना कोई किसी से ना डरता है, ना किसी के आगे झुकता है। और मेरा प्रत्याशी अगर जीत जाएगा तो आप लोगों के बीच रहेगा, और अगर हार जाएगा तो भी आप लोगों के साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, BJP को फायदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है, हम लोग इससे मतलब नहीं रखते हैं। हम लोग मतलब रखते हैं कि हमें अपनी संख्या दिखानी है, हम कितने हैं, हम लोग किस तरह से लड़ रहे हैं, हम लोग किस तरह से लड़ सकते हैं, हम लोग अपनी संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बातें बिल्कुल आला कमांड की बातें हैं, और इसके बारे में भी क्या राजनीति है और क्या बातें हैं ये तो हमारे आला कमान ही जानते हैं। और हमें अपना डिप्टी CM की लड़ाई में चाहता तो हम लोग डिप्टी CM के लिए हैं। अखिलेश जी से भी हमारी बातें हम लोगों की हुई थी तो हमें डिप्टी CM चाहिए था तो हमें डिप्टी CM है। और हमारे बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो हैं वो हमारे CM बनेंगे। और मैं सोचता हूँ कि अभी भी जितने भी CM के दावेदारी करने वाले लोग हैं उसमें सबसे बेस्ट बाबू सिंह कुशवाहा साहब ही होंगे। जी, इसके चुनाव से कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं तो यही इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे नेताओं को रोक दिया जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं इससे यही इफेक्ट पड़ेगा, हम लोगों को परमिशन लेने में तकलीफ होगी कि मोदी जी आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, हम लोगों को ठीक से परमिशन नहीं दिया जा रहा है। एक गाड़ी के परमिशन लेने के लिए मुझे 5 बार जाना पड़ रहा है, यही परेशानी आ रही है। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तो दूसरे नेताओं को आने के लिए तकलीफ दी जा रही है, यही कर रहे हैं, मोदी जी के आने से ही हमें हो रहा है। ओवैसी जी का दौरा कब है? वैसी जी का दौरा इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, 3 तारीख तक। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो अति महत्वाकांक्षी लोग नहीं है चुनाव लोगों के लिए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था उन्होंने मजलिस के प्लेटफॉर्म को उसके लिए इस्तेमाल किया। देखिए, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था नहीं, उन्होंने कांग्रेस से आवेदन किया था, आवेदन रद्द हो गया। हमने बोला कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, वो एक बहुत ही अच्छे आंदोलनकारी हैं और वो हमारी विचारधारा को उन्होंने समझा, अच्छा समझा, वो हमारे साथ आ गए। अब वो बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे तो हमारी विचारधारा के संतुष्ट है तो हमारे साथ आ गए। टिकट पहले भी मजलिस द्वारा दिया गया था शमीम उर्फ भोला नेताजी को, जो कि RSS से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा भी किया और मुस्लिमों के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, बाद में सुनने में आया कि उनका टिकट। देखिए, तो इसी से लगता है कि क्या अति महत्वाकांक्षी लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आपकी पार्टी का सहारा ले रहे हैं?
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उनको बाकायदा एक मिस्टेक बाई मिस्टेक उनको टिकट मिल गया था, और उस टिकट को जैसे ही हम लोगों को जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं उनकी कुछ गलती के चलते उनको टिकट मिल गया था, उसी वक्त उन जिलाध्यक्ष को भी हटा दिया गया और उसके बाद उनको तुरंत उनके टिकट को निरस्त कर दिया गया। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग सिर्फ एक संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और सबके हित की बात करना चाहते हैं, शोषित वंचित समाज की बात करना चाहते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ हरीश मिश्रा जी 25,000 नॉन मुस्लिम वोट लेकर के आ रहे हैं, उनके अपने साथ के लोग 25,000 वोट लेके आ रहे हैं, बस मुझे थोड़ा सा और वोट मुसलमानों का चाहिए इंशाल्लाह ताला, और हम लोग हरीश मिश्रा जी को और परवेज कादरी भाई को बिल्कुल जिता रहे हैं। आप क्या इस बात, देखिए मैं हमारे जनाब परवेज कादरी साहब ये तो इन पर तो 101% मुझे यकीन है और वो जीतेंगे परवेज कादरी साहब, और जीतने के बाद उनको खरीदने की ताकत किसी में नहीं है। नहीं मैं सिर्फ बनारस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऑल ओवर उत्तर प्रदेश, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैं यही बोलता हूँ कि जो मजलिस क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। मजलिस एक सोच है, एक विचारधारा है, जो कोई उस विचारधारा में चल निकला फिर वो कभी भी बिकता नहीं है। पंचायत चुनाव में कुछ आपके प्रत्याशी जीते थे लेकिन जब वोटिंग का जिला अध्यक्ष जब कुछ आया तो उन लोगों ने, देखिए मैं तो पिछली बातों को बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं फिलहाल अभी की बात कर सकता हूँ और इसके लिए मैं पिछली बातों से मैं पूरा वाकिफ नहीं हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कमज़ोर संगठन के साथ अचानक से यूपी चुनाव में उतरने का फैसला मंत्री वैसे साहब ने किया? आपको किसने कहा कि हमारा कमज़ोर संगठन है? आप चले जाइए गलियों में, एक आवाज़ उठा दीजिए, MIM के साथ सारे लोग हैं। आपको जो दिख रहा है ना कुछ लोग इधर उधर जो भाड़े के लोग चल रहे हैं, हमारे संगठन में किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो कार्यकर्ताओं को पैसा देकर के काम कराया जाता है, मेरे संगठन में कार्यकर्ता खुद का पैसा लगा करके अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा है। कौन पार्टी पैसा बांट रही है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो मैं जानता हूँ कि हो सकता है हमारे मीडिया के बंधु लोग बहुत बेहतर जानते होंगे।